गुड आफ्टरनून बच्चो गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चो निकिता संस्कृति जानवी आवाज आ रही बेटा डिम्पल गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चो ओके तो चलो बचा हुआ पार्ट आज खत्म करते हैं अपन हमारा डे वन का कुछ पार्ट बच गया था उसको आज अपन फिनिश करते हैं लास्ट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया था सबसे पहले मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे मेन मेन एक तो आपका कॉल एंड अरियर और दूसरा कॉल एडवांस कॉल एंड एरियर कॉल एडवांस बिल्कुल क्लियर है आप सारे बच्चों को कि कॉल एंड अरियर मतलब पैसा नहीं दिया है इसलिए उसको बैंक के साथ में डेबिट कर रहे हैं कॉल एडवांस क्या है पहले मिला है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल एडवांस है फ्यूचर में बाद में पैसा वो वापस से नहीं देगा इसलिए बैंक के साथ में कॉल एंड एडवांस वर्ड यूज करना है समझ में आ गया था सारे बच्चों को उसके बाद मैंने आपको प्रो राटा अलॉटमेंट बताया था प्रोराटा अलॉटमेंट में मैंने आपसे बोला था कि कुछ कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए सबसे पहले तो आपको निकालना आना चाहिए सर क्या कैटेगरी कैटेगरी में जो डिफरेंट पर्सनस हैं जो इनको डिफरेंट शेयर्स दिए जा रहे हैं वो हमारे प्रोराटा अलॉटमेंट का पार्ट होते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट निकालने के बाद आप ये देख लो कौन सी कैटेगरी में डिफॉल्टर है जिस कैटेगरी में डिफॉल्टर है वहां एक्सेस मनी निकालने के साथ साथ एक्सेस मनी पर शेयर के साथ में कैलकुलेशन करना ज़रूरी है उसके लिए तरीका मैंने आपको बताया था कि एक्सेस मनी निकालोगे एक्सेस मनी को एडजस्ट कर दो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलॉटमेंट कॉल दोनों को एडजस्ट करना है तो दोनों एडजस्ट करेंगे क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो केवल अलॉटमेंट एडजस्ट करेंगे बाकी पैसा रिफंड कर देंगे भले ही पैसा एक्स्ट्रा क्यों ना हो जब एक्सेस मनी को आप एडजस्ट करते हो तो जहां डिफॉल्टर होता है वहां पर कॉल इन एरियर पर शेयर्स भी निकाल के रख लो ताकि जो कॉल डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसका कैलकुलेशन हो सके प्रोडाटा शेयर्स कॉल अलॉटमेट करना आना चाहिए कैलकुलेट करना चाहिए अप्लाई करते आना चाहिए मैंने बोला था जो जिसके बराबर है उसको डिवाइड करेंगे जो निकाल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे काम खत्म हो जाएगा आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी इतनी अकाउंटिंग हमने जो डिस्कस करी थी कल आज जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहला फॉरफ्यूचर सब का मतलब क्या होता है सामने वाला जो बेओ हमारा डिफॉल्टर शेयर होल्डर है वो डिफॉल्टर शेयर होल्डर क्या कर रहा है दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम उससे बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज कर लो सर बेटा हमने इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया वो इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं दे रहा तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या तो कंपनी क्या कर सकती है बेटा उसके शेयर को वापस ले सकती है मतलब उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकती है जब कोई कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर शेयर होल्डर के नॉन पेमेंट के कारण उसकी मेंबरशिप को कैंसिल करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं शेयर फॉर दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही शेयर फॉर फीचर क्या होता है कोई पूछता है ड्यू टू नॉन पेमेंट शेयर होल्डर की मेंबरशिप को कंपनी कैंसिल कर देती है उसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर और इस कैंसिलेशन में कंपनी एक काम और करती है कि जो शेयर का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया है वो उसको वापिस नहीं लौटा दी उसको क्या कर लेती है कंपनी फॉरफिट कर लेती है जब्त कर लेती है कंपनी अपने पास रख लेगी उसको लौटाएगी नहीं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये बात अपने दिमाग में बिठा लो बच्चों बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर है कि नहीं पैसा नहीं लौटाना है फॉर एग्जाम्पल यहां सारे बच्चे ध्यान से देख लें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया पर शेयर कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कंपनी से कंपनी ने शेयर होल्डर से चार रुपए मांगे उसने दे दिए कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा शेयर होल्डर ने नहीं दिया कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा शेयर होल्डर ने नहीं दिया शेयर होल्डर से पैसा मांग रही शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है दैट दैट कंपनी अब इसके शेयर को फॉरफिट करेगी कैसे फॉरफिट करेगी सबसे पहले तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कितने रुपए आप ड्यू कर चुके हो वो अमाउंट डेबिट करोगे ड्यू क्या कर चुके हैं सर हम ड्यू कर चुके हैं पूरे दस रुपए कैपिटल के तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट अब शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे बेटा डेबिट कर देंगे दैट्स अंपॉर्टेंट बिल्कुल बेटा जानवी कर देते हैं बच्चे अनम्यूट नहीं है ओके ये लो कर दे तो ध्यान रखेंगे क्या करना है शेयर कैपिटल जितने रुपए आप ड्यू कर चुके हो भले उसने पैसा दिया हो या नहीं हो ड्यू बोलते हैं या इसी को कॉल्ड अप बोलते हैं जितना आप कॉल कर चुके हो वो अमाउंट डेबिट कर दो कितने रुपए बुला चुके हैं सर हम चार रुपए दो रुपए दस रुपए पूरे दस रुपए बुला चुके हैं तो दस रुपए अगर अलॉटमेंट पे ही हम फॉरफिट कर रहे होते तो छह रुपए से डेबिट करते जहां हम कर रहे हैं वहीं पर इसको हम डेबिट कर देंगे दैट्स इंपॉर्टेंट ओके तो हमने डेबिट कर लिया बेटा अब यहां अगर प्रीमियम होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना है अगर वो रिसीव नहीं हुई है अगर रिसीव हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर डेबिट नहीं करना है रिसीव नहीं हुई है तो वो भी कैंसिल करेंगे क्योंकि वो कॉल इन एरियर में आएगी चलो हमारे क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है

वही हमारा क्या कहलाएगा शेयर फॉर फ्यूचर वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कितने रुपए शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर हो जाएंगे जो उसने पे कर दिए थे तो ड्यू बट नॉट पेड कॉल एनरियर होगा हमारा और जो उसने दे दिया है ड्यू एंड पेड वो हमारे शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा ये पैसा हम जब्त कर लेंगे ड्यू एंड पेड ये पैसा हम जब्त कर लेंगे यही हमारी कंपनी का प्रॉफिट है मैंने आपको समझाया था बहुत लॉजिकली सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि नहीं क्या क्या डेबिट करना है सारे बच्चे ध्यान से समझ लें शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे जो हमने कॉल कर ली है उतनी वैल्यू से अलॉटमेंट तक फॉरफिट कर रहे हो तो अलॉटमेंट पर ही अलॉटमेंट तक को डेबिट कर दो पूरा फाइनल कॉल हो चुकी तो फेस वैल्यू से डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिली है तो डेबिट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गई है तो डेबिट नहीं करना है टू कॉल एनरियर आएगा ड्यू बट पेड वाला अमाउंट और टू शेयर फॉर फीचर वो अमाउंट जो हमको रिसीव हो गया है वो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा इसीता सिंह समझ में आ गया है बाकी बच्चे जल्दी से बताएं बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं श्रेया मथान ऋषिका कुमकुम क्लियर है अंशिका वेरी गुड डिम्पल सिंह यश सर अंशिका सिंह सर ऋषिका अदिति सिद्धि वेरी गुड बेटा शिवम खुशी तनीषा वेरी नाइस सिद्धि वेरी नाइस अरुण अरुण सिंह सर समझ में आ गया सारे बच्चों को इस तरह से काउंटिंग एंट्री करना है दैट्स अ कॉल इन अब कंपनी क्या क्या करेगी शेयर फॉरफिट कर लिया नरेशन डालेंगे इसका श्री सिंह सर कुमकुम सिंह सर गुड अब क्या करना है इसका नरेशन सिंपल सा लिखना है बेटा बींग शेयर फॉरफेटेड काम खत्म हो गई अकाउंटिंग अब कंपनी को तो बेटा पूरा पैसा चाहिए था शेयर पर खाली चार रुपए है, तो कंपनी चाहे तो इस शेयर को किसी अदर पर्सन को रीशू कर सकती है, ये शेयर सर्टिफिकेट जो इससे जब्त किया है किसी नए शेयर होल्डर को दे सकती क्योंकि कंपनी का काम रुक जाए बेटा कंपनी ने तो प्लांट लगा रखा है दस रुपए का कंपनी को पूरे दस रुपए चाहिए थे और खाली मिले चार रुपए तो कंपनी क्या करेगी बेटा कंपनी शेयर को रीइ कर देगी और रीइशू करके क्या लेगी फटाफट फड़ बोलो अपने छह रुपए जो उसने नहीं दिए थे पुराने शेयर होल्डर ने वो उसको लेने की कोशिश करेगी ताकि उसका काम ना रुके तो इंपॉर्टेंट इज दैट क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी जब रीइू करेगी इस शेयर को तो रीइू प्राइस क्या हो सकती है मिनिमम मिनिमम रीइशू प्राइस क्या रखना पड़ेगी तो ध्यान रखना शेयर कैपिटल जो आप अप वाली इशू कर रहे हो जितनी अप वाली आप इशू कर रहे हो बताएगा इतनी वैल्यू या चार रुपए मिल गया था तो चार रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है जो भी आप शेयर इशू कर रहे हो शेयर में दस रुपए वाला शेयर इशू कर रहा हूं तो चार रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो मिनिमम रिइ्यू प्राइस मेरे को छह रुपए रखना पड़ेगी मतलब क्वेश्चन इज दैट कि मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दिया जा सकता है री इश्यू के समय जो कंपनी को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है क्योंकि कंपनी को दस रुपए की जरूरत थी प्लांट लगाने के लिए कंपनी चार रुपए पुराने शेयर होल्डर से ले चुकी है तो नए शेयर होल्डर को अगर शेयर री इशू कर रही है तो कम से कम छह रुपए लेना पड़ेंगे जो पुराने शेयर होल्डर ने नहीं दिए थे सिंपल सी बात है जितना पुराने शेयर होल्डर ने नहीं दिया है उतना अमाउंट कंपनी रिकवर करेगी इज दैट क्लियर बस उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना फॉरफिट के समय कंपनी को प्रॉफिट हुआ था जो कंपनी ने लौटाया नहीं था तो मैक्सिमम डिस्काउंट चार रुपए का दे सकते हैं सर एक इससे कम डिस्काउंट दें तो कंपनी का वो कैपिटल प्रॉफिट होगा और कैपिटल प्रॉफिट होगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है है बस ये ध्यान रखना है। मतलब सर मतलब ये अब देखो कंपनी यहां रीइ करेगी पहली बात तो मिनिमम रीइ प्राइस मैंने आपको बताई अब मान लो एक कंपनी बोलती कि मैं शेयर ये नए शेयर होल्डर को दे रही हूं और रीइू प्राइस कंपनी ने रखी सात रुपए और कंपनी इससे सात रुपए का कैश ले रही है और शेयर देगी कंपनी इसको दस रुपए की फेस वैल्यू वाला ध्यान से देखें कंपनी अब इसको शेयर सर्टिफिकेट यही वाला इश्यू कर रही है लेकिन कितने में रीइश्यू करती है अब आप समझदार हो कंपनी इससे कैश ले रही है बोल रही पैसे दे दो सात रुपए सात रुपए क्या हो गई कंपनी की रिइ्यू प्राइस जो कंपनी इससे मांग रही सर छे में इशू करना चाहिए था नहीं कंपनी ज्यादा में इशू कर सकती लेकिन छ से कम में इशू नहीं कर सकती और शेयर दे रही है कंपनी इसको फेस वैल्यू दस रुपए पेडअप वाला फुल्ली पेडअप वाला अब यहां आपको खाली यह देखना रहता है कि कंपनी ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया सारे बच्चे बताओ दस रुपए वाला शेयर सात रुपए में रीइशू कर दिया है ये आपकी रीइशू प्राइस है रीइशू प्राइस सात रुपए में रीइशू कर दिया कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है जल्दी जल्दी मेरे को डिस्काउंट की वैल्यू बता दें कितने रुपए का डिस्काउंट कंपनी ने दिया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका एक्चुअल डिस्काउंट होगा कितने रुपए का एक्चुअल डिस्काउंट दिया है बताएं बच्चों कितने रुपए का एक्चुअल डिस्काउंट दिया है आप बोलोगे सर तीन रुपए का एक्चुअल डिस्काउंट दिया है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती थी कंपनी जल्दी से बता दो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती थी जो मैक्उंटर से, से कंपनी ने ले लिया था इस एक्चुअल डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में मतलब कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा एक रुपए बस ये थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा क्लियर बच्चों समझ में आया कि नहीं एक्चुअल डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी दे सकती है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है जो पुराने से होल्डर ने दिया था इनके बीच का डिफरेंस कहां ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में बस ये कैलकुलेशन आपको करना रहेगी कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा जना एंट्री आप एक भी डाल सकते हो दो भी डाल सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंट्री क्या डालना है सिंपल एंट्री डालना है बैंक अकाउंट डेबिट बैंक को डेबिट करेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे कौन सी वैल्यू से री रीशू प्राइस जितने में भी आपने शेयर्स दिया है सर कितने रुपए में शेयर दिया है आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा सात रुपए में डिस्काउंट माइनस करके फिर टू शेयर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कंपनी से जा रहा है तो वापस से लिख देंगे टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैपिटल में कौन सी वैल्यू डालोगे पेड अप वैल्यू जितनी पेड अप वैल्यू वाला क्वेश्चन बोलेगा जैसे दस रुपए वाला बोल रहा है तो दस रुपए अब डिफरेंस आएगा डिफरेंस डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा डिस्काउंट के लिए वर्ड यूज करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने रुपए थे यहां बेटा चार रुपए थे चार रुपए में से तीन रुपए का डिस्काउंट दे दिया है तो आप तीन रुपए लिख दो यहां फिर एक रुपए सर बच गया उसका क्या वो जो एक रुपए बच गया है वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होके कैपिटल रिजर्व में तो कैपिटल रिजर्व में एक रुपए चला जाएगा ये हो गई एंट्री काम खत्म यह हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा जो बच गया चार रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे हमने तीन रुपए का डिस्काउंट दिया है एक रुपए जो बच गया वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा समझ में आया कि नहीं आया बोलो बच्चों। क्लियर है कालिंदी सिंह सर वॉइस स्लो आ रही है क्या वॉइस स्लो आ रही है बच्चों बाकी बच्चे यस सर ओके नो सर नो सर नो सर नहीं आ रही स्लो सिद्धि सिंह नो no सर वॉइस सही है बाकी बच्चे भी देख लो क्या वॉइस क्लियर है प्रॉपर है बेटा खालिंदगी आपके आंत हो सकता है प्रॉब्लम हो बस इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री डालेंगे ये हो गई बेटा हमारे री इशू की एंट्री चलो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को समझाता हूं देखो जरा मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए ताकि फॉरफीचर और री इशू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए देखो सबसे पहले फॉरफिट करते हैं अपन देखें क्वेश्चन इज दैट फॉर फीचर सारे बच्चे समझेंगे दिया है जारा लिमिटेड री इशू टू लैख इक्विटी शेयर आप रूपीस हंड्रेड इच एट ट्वेंटी परसेंट प्रीमियम पेबल बीस परसेंट प्रीमियम पे बल है हाँ दोनों की एंट्री एक भी कर सकते हैं बिल्कुल खुशी बेटा चार रुपये पूरा लिख दो यहाँ अगर चार रुपये शेयर फॉर फीचर पूरा यहाँ लिख दोगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो आएगा वो ट्रांसफर कर देना सीधा कैपिटलिज्म में एक रुपये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोनों को एक एंट्री कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और चाहें तो दो एंट्रियाँ डालें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इज दैट क्लियर बच्चों समझ में आ गया गुड अब सारे बच्चे यहां देखें फॉर फ्यूचर की काउंटिंग सीखते हैं सबसे पहले तो भैया अलग अलग केसेस में लेके आया हूं लॉजिकली सारी बातें समझेंगे क्वेश्चन बोल रहा है देखो भैया पहले ड्यू वाली वैल्यू लिख लिया करो ड्यू वाली वैल्यू क्या है कैसे कैसे ड्यू कर रहा है? रहा है, रहे हैं बोल रहे हैं फेस वैल्यू रहेगी सौ फेस वैल्यू ऑफ शेयर फेस वैल्यू ऑफ शेयर रहेगा सौ रुपए इसमें जुड़ेगी बेटा प्रीमियम सर कितने रुपए की प्रीमियम बीस परसेंट प्रीमियम बोल रहा है क्वेश्चन बीस तो रुपए तो बच्चों हमारी इशू प्राइस हो जाएगी हंड्रेड एंड ट्वेंटी अब हंड्रेड एंड ट्वेंटी को कैसे बुला रहे हैं क्वेश्चन बता रहा है आपको क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन पर लेंगे कुछ पैसा एप्लीकेशन पर लेंगे कितने रुपए एप्लीकेशन पर ले रहे हैं बीस रुपए फिर बोल रहे हैं कुछ पैसा हम अलॉटमेंट पर लेंगे सर अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है चालीस रुपए क्वेश्चन बोल रहा है फिर हम लेंगे फर्स्ट कॉल चालीस रुपए फिर क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल लेंगे कितने रुपए की फाइनल कॉल लेंगे तो क्वेश्चन में दिया है बीस रुपए की फाइनल कॉल लेंगे अब सारे बच्चे ध्यान से समझना यहाँ प्रीमियम है दस दस रुपए तो थर्टी प्लस टेन का प्रीमियम और यहाँ भी थर्टी प्लस टेन का प्रीमियम है दोनों जगह प्रीमियम है क्वेश्चन बोल रहा था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम है बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर है ये ड्यू वाली वैल्यू लिख ली आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर राजू को हजार शेयर हमने दिए थे पास द नेसेसरी जन एंट्री रिगार्डिंग द फॉर फीचर ऑफ शेयर केवल फॉर फीचर की एंट्री डालना है बाकी नहीं डालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस चार केसेस यहां बताए हैं अब ध्यान से देखते जाना सारी बातें यही समझ में आ जाएंगी पहला केस ले रहा हूं मैं केस वन जो मैं समझाना चाहता हूं बस उस चीज को ध्यान से देखना पहला केस लिया है यह हमारी ड्यू वाली वैल्यू है जो हमने यहां लिखी है बस इसी चीज पर फोकस रखना है देखो लिखा है मिस्टर राजू फेल टू पे अलॉटमेंट मनी मिस्टर राजू ने अलॉटमेंट नहीं दिया फेल टू पे द अलॉटमेंट मिस्टर राजू ने अलॉटमेंट नहीं दिया और यही लिखा है हिज शेयर इन फॉरफेटेड और हमने उसके शेयर फॉरफिट पहली बार उसने गलती करी अलॉटमेंट नहीं दिया और पहली ही गलती पर हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हिज शेयर इज फॉरफेटेड जहां लिख दिया बस वही हमारा अमाउंट है मतलब ये कि आगे के ये दोनों चीजें अभी ड्यू ही नहीं हुई इसलिए ये हमारी इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं रहेगी ये हमारे कैलकुलेशन में से हट जाएगी जिस स्टेज पे फॉरफिट हुआ बस उस स्टेट तक का ही ध्यान रखना है उसके आगे का कैलकुलेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं आएगा तो फॉरफीचर कहां हो जाएगा बेटा यही हो जाएगा तो ये बाकी की दोनों चीजें हमारे कोई काम की नहीं है अब यहां देख लो दोनों चीजों को हम डेबिट करेंगे किसको डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल को मैंने बोला था ड्यू वैल्यू से या कॉल्ड डब वैल्यू से बताएं कितने रुपए कॉल्ड डब है शेयर कैपिटल तो कैपिटल का बीस रुपए ये है तीस रुपए ये कैपिटल का है टोटल मिला के पचास रुपए प्रीमियम दस रुपए नहीं मिली है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट कर दो बेटा दस रुपए से हो गए टोटल मिला के साठ रुपए डेबिट जुड़ी हुए थे अप टू कॉल एरियर क्या नहीं दिया उसने सर चालीस रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया लिख दिया डिफरेंस जो आएगा वो चला जाएगा शेयर फॉर फीचर में कितने रुपए शेयर फॉर फीचर में जाएंगे जल्दी बताओ बच्चों सर बीस रुपए ऐसे इसके पास कितने शेयर हैं हजार सब जगह हजार से मल्टीप्लाई कर दो हो गई फॉर फ्यूचर की इंट्री बताएं बच्चों क्या ये सबको समझ में आ गया बस सार्थक अभी स्टार्ट किया है गुड 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 क्लियर अब देखो जरा केस टू केस टू केस टू केस टू देखें केस टू जस्ट मेटिट देखें हम जरा केस टू क्या बोल रहा है यहां पर अब देखें फिर से दिया मिस्टर राजू फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया वापस से देखें यहां भी समझ में आएगा एंड हो सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे द फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी फिर लिखा है मतलब जो लिख रखा था सारे बच्चे यहां देखेंगे हमारा यह ड्यू वाला वैल्यू था क्वेश्चन बोल रहा है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने क्या नहीं दिया बेटा अलॉटमेंट नहीं दिया फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फिर यहां लिखा है हिज शेयर फॉरफेटेड हमने यहीं शेयर फॉरफेड कर लिए अब सारे बच्चे जहां शेयर फॉरफेड हो गए तो उसके आगे की वैल्यू ड्यू ही नहीं हो पाएगी तो वो हमारे कोई काम की नहीं अब यहां का कैलकुलेशन करना है कैसे कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करना है ड्यू वैल्यू से जिसको हम ड्यू भी बोलते हैं और अप वैल्यू भी बोलते हैं बताएं कितने रुपए कॉल्ड अप हो गया शेयर कैपिटल का कैपिटल कैपिटल का देखना तीस तीस और बीस कितना हो गया बेटा अस्सी रुपए तो अस्सी रुपये डेबिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगी अगर वो रिसीव नहीं हुई तो देखें अलॉटमेंट पर भी रिसीव नहीं हुई और फर्स्ट कॉल पर भी रिसीव नहीं हुई तो बीस रुपए पूरी कैंसिल टू कॉल एन अरियर कॉल एन अरियर में बेटा दोनों चीजें कितना नहीं आएगा टोटल अमाउंट चालीस और चालीस जो नहीं मिला कितना नहीं मिला सर अस्सी रुपए और जो मिल गया है वो कहां चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में डिफरेंस अमाउंट कितना आ गया बेटा बीस रुपए चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में हो गई एंट्री ऐसे कितने शेयर हैं राजू के पास हजार शेयर थे हजार से मल्टीप्लाई कर दो काम खत्म बताओ बच्चों क्या ये बात सबको समझ में आ गई प्रियांशी खुशी कालिंदी मोहम्मद प्रियांसी ओके खुशी ओके डिम्पल ओके दिया वेरी गुड अंशिका जानवी कार्तिक एक और केस है वो भी देख लो केस नंबर थ्री बस ये काम कर लो तो फॉर फ्यूचर तीन केस में ही हो सकता है तीन जगह ही हो सकता है देखो जरा यहां आप मेरे को बताना यहां एक पॉइंट है जरा फटाफट फटाफट यहां भी देख लो अब ये वाला अपन लेके आए हैं ड्यू वैल्यू हमारी यही है बेटा यह यह जो हमको दी थी क्वेश्चन में वैल्यू यही है अब यहां देखो क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर राजू फेल टू पे फर्स्ट कॉल मिस्टर राजू ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और लिखा है सब्सिक्वेंट फेल्यूअर टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल और फाइनल कॉल भी नहीं दी और फिर यहां लिखा है शेयर फॉरफेटेड यहां जाके शेयर फॉरफेट हुए इसका मतलब उसने ये दे दिया ये दे दिया अब सारे बच्चे यहां पहले तो बताओ कितने रुपए कैपिटल का ड्यू हो गया या कॉल्ड ऑफ हो गया ये नहीं देखना मिला ये देखना है कितने रुपए ड्यू हो गया हमने मांग लिया बेटा फाइनल कॉल हो गई दैट शेयर कैपिटल की पूरी फेस वैल्यू हो चुकी है तो शेयर कैपिटल पूरी फेस वैल्यू से पूरे हंड्रेड रुपीज से कॉल्ड ऑफ होगी पूरी ड्यू या कॉल्ड ऑफ पूरी वैल्यू जो रहेगी वो सौ रुपए रहेगी पूरे सौ रुपए कैंसिल करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम वो कैंसिल करना है जो रिसीव नहीं हुई सिक्योरिटी प्रीमियम देखो बेटा यहां ये रिसीव हो गई है ये रिसीव है तो ये प्रीमियम नहीं आएगी बस केवल नीचे वाली प्रीमियम आएगी दस रुपये जो रिसीव नहीं हुई है तो दस रुपए की प्रीमियम आएगी टू क्या लिखोगे यहां पर कॉल इन एरियर जल्दी से बताओ कॉल इन एरियर में कितने अमाउंट जाएगा जल्दी जल्दी बताएं कॉल इन एरियर में कितना जाएगा जो उसने नहीं दिया क्या नहीं दिया बीस और चालीस कितना नहीं दिया साठ रुपए डिफरेंस जो है ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने रुपए शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा कैपिटल वाला पार्ट जाएगा तो डिफरेंस निकाल लो 110 माइनस साठ वेरी गुड बेटा 50 रुपीज इंटू कर देंगे 1000 शेयर से काम खत्म ये हो गया हमारा बेटा शेयर फॉर फ्यूचर क्या आपको फॉरफ्यूचर वाली अकाउंटिंग सबको समझ में आ गई बच्चों गुड आ गई आ गई आ गई आ गई वेरी नाइस बस यही हम चाहते थे फॉर फ्यूचर की अकाउंटिंग आपसे बनना चाहिए नहीं करेंगे बेटा इंक्लूड जो रिसीव हो गया वो प्रीमियम कैलकुलेशंस में कोई काम का नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फिफ्टी टू वो हमारे कोई काम का नहीं ओके 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 हाँ बिल्कुल होगी बेटा अब यहां आ जाए नेक्स्ट पॉइंट को देखें जरा अब मैं रीइशू का पॉइंट भी साथ में लूंगा सारे बच्चे यहां री इशू पर फोकस रखेंगे अब रिजर्व वाला भी ध्यान से देखेंगे शुभी भी एग्जाम्पल लेके हूं आपके लिए फटाफट देखेंगे फॉरफिटेड का पॉइंट पहले दिया है एक्स लिमिटेड फॉरफेड एड फाइव हंड्रेड शेयर आप रुपीज टेन ईच ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल रुपीज थ्री पर शेयर ऑल बोल रहे हैं फाइनल कॉल दो रुपये अभी हुई ही नहीं है एट टू बी मेड अभी होना बाकी है हमने फर्स्ट कॉल पे ही फॉरफेड कर लिया है ड्यू टू नॉन पेमेंट बताओ बेटा सबसे पहले तो शेयर कैपिटल की कॉल्ड ऑफ वैल्यू क्या रही होगी जल्दी जल्दी बताएंगे शेयर कैपिटल की कॉल्ड ऑफ वैल्यू क्या रही होगी तीन दो रुपए तो अभी कॉल होना बाकी है बताएं बेटा ये हमारे कोई काम का नहीं है दस में से दो रुपए जो अभी कॉल होना बाकी है वो हट जाएगा कितने रुपए आएगा बेटा आठ रुपये तो कॉल डॉ वैल्यू आठ रुपये क्या ली आठ रुपये में से कितने रुपए नहीं दिए उसने कॉल इन एरियर में बोरा ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल तीन रुपये नहीं दिए तो बताओ शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा पांच रुपये ऐसे कितने शेयर पाँच सौ मल्टीपल ये हो गई शेयर फॉर फीचर की एंट्री बताएं सारे बच्चे बताएं शेयर फॉर फीचर समझ में आ गया दो रुपए क्यों नहीं लिए क्लियर है क्योंकि फाइनल कॉल अभी होना बाकी है जो होना बाकी है उसको अपन कंसीडर नहीं करते जिस स्टेट पर फॉरफिट कर लिया वही हमारे लिए काम होता है ये तो हो गई हमारी शेयर फॉर फीचर की अब सारे बच्चे कोई बच्चा बताएं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं जल्दी जल्दी बताएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं पांच रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है पांच रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं हो सकता है अब यहां ध्यान से देखेंगे केस नंबर वन केस नंबर वन जो हमको लेना है लिखा है इफ शेयर आर री इशू फॉर फाइव पर शेयर पांच रुपए पर शेयर के हिसाब से शेयर रीइशू कर दिया अब क्वेश्चन में पेड़ अप वैल्यू नहीं बताए कि, कि कितना पेड़ अप वाला रीइू प्राइस तो बता दी कि रीशू प्राइस पांच रुपए अप वैल्यू नहीं बताए कि कितनी अप वाला इशू किया है तो जितना पेड वैल्यू वाला ऊपर फॉरफिट किया था वही मान लेंगे मतलब आठ रुपए पेडअप वाला कितने का डिस्काउंट दिया होगा सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट कितना दिया होगा बस ये लिखा जाता है डिस्काउंट दिया होगा सर तीन रुपए का और शेयर फॉर फीचर पर कितना दे सकते थे शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है पांच रुपए इनके बीच का डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस बस इनके बीच का डिफरेंस Capitalism में ट्रांसफर होता है तो कितने रुपए कैपिटलिज्म में जाएगा दो रुपए बात समझ में आ गई शेयर फॉर फीचर और जो डिस्काउंट आपने दिया कितना पेडअप वाला नहीं बताया है तो ध्यान रखना है सारे बच्चे यहां पर जितना पेडअप वैल्यू नहीं बताई है कि कितना पेडअप वाला रीइश्यू किया है नहीं बताया है तो जितना पेडअप वाला फॉरफिट किया था उतना पेडअप वाला ही रीइश्यू हो रहा है ऐसा माना जाएगा क्लियर अब इसकी जना एंट्री बहुत इजी है आप इंडी डाल सकते हो मैंने आपसे बोला था बैंक को डेबिट करना है इशू प्राइस से बैंक अकाउंट डेबिट री इशू प्राइस हमेशा तो इशू प्राइस कितना दे रखी है पांच रुपए टू शेयर कैपिटल लिख लिया करो हमेशा पेडअप वाला कितना पेडअप वाला इशू कर रहे हो सर आठ रुपए पेडअप वाला डिफरेंस जो है वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट के नाम से लिख दो कितने रुपए का शेयर फॉर फीचर दिया है तीन रुपए का डिस्काउंट एक बार और होगा शेयर फॉर फीचर का बचा हुआ बैलेंस जो बच गया है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा दो रुपए दो इंट्री डाल सकते हो सीधा पांच रुपए लिखते तो डिफरेंस कैपिटलिज्म में आ जाता डायरेक्ट भी आ जाता इन कितने शेयर रीइश्यू कर दिए सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं तो पांच से मल्टीप्लाई बताएं किसी को कोई दिक्कत इस एंट्री में पहला केस क्लियर है दूसरा केस केस नंबर टू से केस नंबर टू फिर से बोल रहे हैं इफ शेयर्स आर री फॉर रुपीज नाइन पर शेयर रुपीज एट अप आठ रुपए अप वाला नौ रुपए में रीइू कर दिया फिर से रीइ प्राइस नौ रुपए अप या पेड़ अप यहां एक ही चीज है या तो कॉल्ड अप बोलेगा या पेड़ अप बोलेगा कितना पेड़ अप वाला कितना पेड़ अप वाला सर आठ रुपए अप वाला सर यहां तो नुकसान नहीं प्रॉफिट हो गया अगर प्रॉफिट हो जाता है डिस्काउंट पर नहीं डिस्काउंट पर नहीं अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट कैपिटल कैपिटलिज्म में नहीं जाएगा ये प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम में कहलाएगा क्योंकि आठ रुपए वाली चीज नौ रुपए में रीइश्यू कर रहे हो आप ज्यादा में रिइू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम लॉस है तो वो लॉस सेट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी शेयर से, से, फॉर फ्यूचर से अगर प्रॉफिट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे ध्यान रखना है तो सर फिर शेयर फॉर फीचर तो हमारा कितना था शेयर फॉर फीचर पांच रुपए था सर इसका क्या होगा फिर जो पांच रुपए था बेटा वो पूरा कैपिटल रिजम में चला जाएगा अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो फिर पूरा पांच रुपए कैपिटलिज्म में चला जाएगा इज दैट क्लियर हाँ पूरा कैपिटलिज्म में चला जाएगा बिल्कुल अब यहां जाना एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक को फिर से डेबिट करना है बेटा आपको हमेशा रीइू प्राइस से नौ रूपए से टू शेयर कैपिटल लिखेंगे पेड ऑफ वैल्यू पेड ऑफ वैल्यू है आठ रूपए क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा बस ये ध्यान रखना है कितने रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा एक रुपये और शेयर फॉर फ्यूचर का जो पैसा बच गया है वो पूरा पांच रुपये अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो पूरा पांच रुपए कैपिटलिज्म में चला जाएगा टू कैपिटलिज्म पांच रुपये इन टू कितने शेयर थे बेटा 500 शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे 500 शेयर से हो गई अकाउंटिंग बताएं बच्चों क्या यहां तक क्लियर है सबको रिया सेंग फिर से बता दो ओके okay, बेटा रिया ये बोल रहे हैं कि आठ रुपए पेडअप वाला नौ रुपए में दिया तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ पहले तो ये समझो आठ रुपए पेडअप वाला नौ रुपए में दिया लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ सर प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ तो फिर अगर श्री शु पर प्रॉफिट होता है तो फिर वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और जो शेयर फॉर फीचर जो हमने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया पुराने शेयर होल्डर ने जितना हमको दिया था वो पूरा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देना है समझ में आ गया अभी रिया रिया बेटा क्लियर है सिद्धि सिंह एसर इंपल सिंह एसर ओके और देखो जरा एक और केस है केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री आप देखो फिर से दिया है रीइू प्राइस बताएं भैया कितने रुपए बोल रहा है रीइू प्राइस आठ रुपए कितना पेड़ वाला फुल्ली पेड़ वाला अब देखो इन्होंने बोल दिया फुल्ली पेड़ा फुल्ली पेड़ा मतलब समझते हो सारे बच्चे फुल्ली पेड़ा मतलब फेस वैल्यू फेस तो वैल्यू क्या थी शेयर की दस रुपए अब बताओ दस वाला शेयर आठ रुपए में रीइश्यू किया है कितने का डिस्काउंट दे दिया यहां जल्दी से बताओ यहां डिस्काउंट कितने का दे दिया दो रुपए का शेयर फॉर फीचर कितना था सर शेयर फॉर फीचर था पांच अब बताओ कैपिटलिज्म में कितना जाएगा इनके बीच का डिफरेंस तो कैपिटलिज्म में अब कितना जाएगा तीन सिंपल यहां डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट एडजस्ट होने के बाद कैपिटलिज्म में जाएगा डिस्काउंट नहीं दिया है तो पूरा पांच रुपए कैपिटलिज्म बस ये ध्यान रखना है अब सारे बच्चे बताओ दो जना एंट्री आपको समझ में आ गई होगी एक एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा रीइश्यू प्राइस से तो री इशू प्राइस है आठ रुपए यहां लिखोगे टू शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू पेड अप वैल्यू है दस रुपए बस ये लिख लिया करो डिफरेंस आपको दिख रहा है यहां पर शेयर फॉर फीचर डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट में आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा बस और बताओ बाकी शेयर फॉर फ्यूचर तीन रुपए जो बच गया है वो चला जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व में तीन रुपए इंटू 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 कर दो बताओ बेटा कितना कितने से मल्टीप्लाई कर दू कितने नंबर ऑफ शेयर हैं पांच सौ पांच सौ पांच सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे समझ में आ गया बच्चों यस yes, सर आ जाना चाहिए आवाज जल्दी से यस yes, सर समझ में आ गया है फटाफट फटाफट जल्दी से बता दो क्या सबको समझ में आ गया है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। बस इतना ही हमको करना रहता है बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है समझ में आ गया बच्चों? यस यस सर वेरी गुड यार बच्चों। अब यहां ये वाला पार्ट जो बच गया है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं आप करेंगे इसको दैट्स योर होमवर्क फिर से लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप वाला बारह में रिइ किया है सारे बच्चे बताओ दस रुपए वाला शेयर बारह में रिइ्यू किया है लॉस हुआ प्रौफित हुआ कि हुआ प्रॉफिट पूरा पांच रुपए कैपिटलिज्म में चला जाएगा क्लियर सॉल्व करना इसको जाना इंट आप डालना और एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं दैट्स योर होमवर्क जिसके अंदर आप रीइ ऑफ और फीचर करोगे ये, ये भी सेम क्वेश्चन है अलग अलग पेडअप पर अलग 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 फेस वैल्यू वाला तो ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है घर पर बैठ के सॉल्व करेंगे क्लियर फर्स्ट केस दिखाना सर फर्स्ट केस ये रहा बेटा ओके गुड तो ये था बेटा हमारा फॉर फीचर और री अब आता है एक कंप्रेंसिव क्वेश्चन जिसके अंदर हम सारे पॉइंट कवर करेंगे जितना हमने पढ़ा है कैश कंसीडरेशन वाला अभी तक जो पढ़ा था इस क्वेश्चन में सारा कवर हो जाएगा सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें तो आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा यहां पर ओके हां बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे अब देखें जरा एक कंप्रेंसिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसके अंदर हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं सारे पॉइंट यहां से आ जाएंगे प्रोराटा भी आ जाएगा री इशू भी आ जाएगा फॉर फ्यूचर भी आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा देखें दिया है एमपी लिमिटेड इशू द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग टू लैक शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच आप यहां लिख लो सबसे पहले तो ड्यू वैल्यू फेस वैल्यू सौ रुपये प्रीमियम बीस रुपए जोड़ देते हैं प्लस कर देते हैं प्रीमियम रुपीज तो सारे बच्चे जल्दी से बताएं री इशू प्राइस सॉरी इशू प्राइस क्या हो गई यहां री इशू बोल दिया मैंने इशू प्राइस क्या हो गई मेरे शेयर की हंड्रेड एंड ट्वेंटी कैसा कैसा बुला रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है एप्लीकेशन पर बीस रुपए लेंगे अलॉटमेंट पर पचास रुपए लेंगे फर्स्ट कॉल करेंगे फर्स्ट कॉल करेंगे तीस रुपए, फाइनल कॉल बीस रुपए, और प्रीमियम यहां लेंगे तो ये थर्टी प्लस ट्वेंटी बनेगा ऐसा ऐसा ड्यू करेंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव हो गई तीन लाख और प्रोराटा अलॉटमेंट किया है तो अब यहां लिख लेते हैं भैया एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई कैटेगरी बना लेते हैं एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है तीन लाख तीन लाख की कैटेगरी बनाना है हमको यहां लिख रहा हूं मैं एप्लीकेश और यहां लिख रहा हूं इज टू अलॉटमेंट और शेयर जो हम शेयर अलॉट करेंगे केस क्या बन रहा है क्वेश्चन इज दैट कि द्री लैख शेयर रिसीव हुए प्रोराटा अलॉटमेंट मेड क्या है एप्लीकेंट फॉर टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स पर बोला है हमने एक कैटेगरी रखी है इस तीन लाख में टू लेख फोर्टी थाउजेंड बालों को ही हमने शेयर्स दिए हैं और शेयर हमने उतने ही देंगे जितने हम री इशू कर रहे थे कितने शेयर री इशू कर रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा था दो लाख शेयर इशू कर रहे हैं तो दो लाख का ही यहां पर आएगा दो चालीस पे दो लाख हमने दिए हैं ट मीनस बाकी के शेयर का क्या किया होगा पक्का इन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा लिखा है इट वॉज डिसाइड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे जो भी एक्सेस आएगा आगे कुछ बताया नहीं है तो तय है बाकी हमने रिजेक्ट कर दिए होंगे कोई बच्चा बताएगा कितनी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी होंगी कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी होंगी एक कैटेगरी और रहेगी दैट्स रिजेक्टेड एप्लीकेशंस वाली बताएं कितनी एप्लीकेशन तो मैंने बोला था एप्लीकेशन का टोटल पूरा आना चाहिए तीन लाख शेयर्स पूरे दो लाख आना चाहिए तो ऊपर ही हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं तो आप सारे बच्चे समझदार हो साठ हजार एप्लीकेशन वो रही होंगी जिनको हमने कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए होंगे जीरो ये हमारा प्रोराटा रेशो बन गया है जल्दी से इस प्रोराटा रेशो को कैलकुलेट करके बता दो क्या रेशो बना प्रोराटा का जल्दी फटाफट फटाफट क्या प्रोराटा रेशो आया Six is टू six या twelve, six is टू five. वेरी गुड आगे एक ही प्रोराटा है, एक ही कैटेगरी है कोई दिक्कत ही नहीं है कैटेगरी बी कैटेगरी रिफंड कर दिया आगे क्वेश्चन बोल रहा है राम टू होम फोर थाउजेंड शेयर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और फिर उसके शेयर हमने सब्सिक्वेंटली फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद रोहन ने अप्लाई किए थे सात हज़ार दो सौ शेयर के लिए उसने भी फेल कर दिया है दो कॉल का पेमेंट नहीं किया तो हमने उसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए हैं इसमें से कुछ शेयर हमने रीइशू कर दिए हैं राशि को फुल्ली पेड अप नब्बे रुपए के हिसाब से आपसे बोला है जन नाइन्टी डालना सारे बच्चे यहाँ देखेंगे हमारा इतना कैलकुलेशन हो गया है तीसरा काम में जो मैंने आपको सिखाया था एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट करेंगे अब देखो जरा एक्सेस मनी एडजस्टमेंट कैसे करना है सारे बच्चे यहाँ निकालेंगे मैंने आपको निकालना सिखाया था किस पर होगा जिसमें प्रोराटा है यहां लिखेंगे एप्लीकेशन यहां लिखते हैं अलॉटमेंट बताएं बेटा एप्लीकेशन कितनी दो चालीस अलॉटमेंट कितना दो लाख फटाफट फटाफट बताएं एक्सिस मनी कितनी आएगी जल्दी जल्दी बताएं एक्सिस मनी कितनी आएगी सर चालीस हजार एप्लीकेशन ज्यादा हैं और एप्लीकेशन पर कितने रुपए बुलाया होगा बीस रुपए तो चालीस हजार इंटू बीस करना बच्चों और जल्दी से बताओ कितना हो गया आठ लाख बोल रहे हैं बच्चे आठ लाख रुपए को एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल एडजस्ट नहीं करना है बट यहां लिखेंगे फाइनल कॉल भी यहीं लिख के रख लेंगे क्योंकि कुछ शेयर फॉरफिट भी हो रहे हैं तो यहां से हमारा कॉल इन एरियर हमको याद रहेगा अलॉटमेंट पे कितने रुपए ड्यू कर रहे हैं ऊपर अमाउंट दिया है फिफ्टी दो लाख शेयर पर फिफ्टी रुपीज ड्यू करेंगे उस हिसाब से कितना हो गया सर वन करोड़ सही है क्या वन करोड़ में सही बोल रहा हूं दो लाख पर पचास रुपए के हिसाब से वन करोड़ सही है बेटा फर्स्ट कॉल कितना ड्यू कर रहे हैं तीस रुपए यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा कितना ड्यू कर रहे हैं बीस रुपए यहां भी कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा अब यहां एडजस्ट हो रहा है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी यहां एडजस्ट हो जाएगी आठ लाख रुपए आठ लाख यहां एडजस्ट हो जाएगी तो सारे बच्चे मेरे को बता दो आउटस्टैंडिंग वैल्यू क्या सर, बचेगी सर आउटस्टैंडिंग वैल्यू बचेगी 92 टू लैख चूंकि डिफॉल्टर है यहां चूंकि डिफॉल्टर है यहां पर चूंकि डिफॉल्टर है यहां तो यहां हम कॉल एंड अरियर भी निकाल लेंगे कॉल एंड अरियर पर शेयर ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट पर कितना आएगा जहां एडजस्ट हुआ बस वहीं निकालना है जहां एडजस्ट नहीं हुआ वो तो वो सेम ही रहेगा 92 टू को डिवाइड कर दो मेरे बच्चों कितने से जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने अलॉट किए थे दो लाख से बता दो कितना आ गया 92 लाख को दो लाख से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो लाख शेयर ही हमने सामने वाले को दिए थे डिवाइड कर दो और बताओ कितना आ गया 46 तो ये 46 रहेगा ये इतना ही रहेगा कॉल इन पर शेयर फर्स्ट कॉल का और ये फाइनल कॉल का रहेगा जिसने नहीं दिया होगा यहां हमको कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ जहां कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ वहां कुछ नहीं करना जहां एडजस्टमेंट हुआ है बस वहां कॉल इन एरियर निकालना है समझ में आ गया बेटा ये हो गया हमारा कैलकुलेशन काम खत्म एक और लास्ट वर्किंग नोट जो डिफॉल्टर है उसमें यह देख लो कहीं किसी का अप्लाई तो नहीं दिया है अगर अप्लाई दिया होगा तो उसका अलॉटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो देखो जरा क्या ऐसा कोई बंदा है जिसका अप्लाय दिया है देखें जरा क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन बोल रहा था कि रोहन हु अप्लाय रोहन के अप्लाय शेयर्स दिए हैं अलॉटेड नहीं दिए अगर अप्लाई दिए हैं तो अप्लाय हमारे कोई काम के नहीं होते इसके अलॉटेड निकालना पड़ेंगे तो मैंने आपको सिखाया था यहां लिखते हैं अप्लाई हमको निकालना है अलॉटेड कैसे निकालेंगे अप्लाय दिए हैं सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्रोराटा रेशो क्या रहा है प्रोराटा रेशो आपके पास है सिक्स टू फाइव ये अप्लाय है और ये अलॉटेड है तो ये कितने के बराबर है बेटा छ के तो मैंने बोला था जो जिसके बराबर है उसको डिवाइड कर देंगे और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ इसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे छः हज़ार हमारे काम की चीज छः हज़ार है सात हज़ार दो सौ नहीं है अगर अलॉटेड ही दिए हैं तो फिर ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी बस ये इतना कैलकुलेशंस करके रख लो बस अब सारी इंट्रियाँ हो जाएंगी इनके अलावा और कोई वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं है ये हमारी ड्यू वाली हो गई ये हमारी कैटेगरी हो गई ये हमारी एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट कॉल इनर इयर पर शेयर निकाल के बैठे हैं अलॉटेड से से हमने अप्लाई से अलॉटेड निकालनी है अब डिफॉल्ट कहां, कहां हुआ है यही लिख लेते हैं ताकि इंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आए पहला डिफॉल्ट हुआ है राम का लिखा है राम को चार हजार शेयर दिए थे राम के बाजू में मैंने चार हजार लिख दिया है राम को चार हजार शेयर दिए थे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड ऑन हिस्सिक्वेंट फेल्यूर टू फर्स्ट कॉल और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फिर यहां लिखा है शेयर फॉरफेटेड मतलब ये तो उससे हुई नहीं तो मैंने डेस लगा दिया डेस का मतलब है वो हमारी ही नहीं हुई उसके पहले ही फॉरफेट हो गए राम के बाद है रोहन रोहन लिख लिया रोहन पे सात हजार दो सौ काम के नहीं है हमने निकाले थे नीचे छ हजार शेयर हैं रोहन के पास सात हजार दो सौ नहीं है सात हजार दो सौ तो उसने अप्लाई किए थे तो छ हजार शेयर लिख लिए इसने क्या नहीं दिया फेल टू पे टू कॉल्स उसने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया और फिर लिखा है, है शेयर फॉरफिट उसके यहां फॉरफिट हुए मतलब उसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन दे दी और उसने खाली दी है यह हमको पता चल गया बस अब जना एंट्री डाल दो बेटा अब जना इंट्रीज में कोई दम ही नहीं है फटाफट फटाफट फटा फटा सारे बच्चे मेरे साथ साथ आप जना एंट्री करवाएंगे इतने वर्किंग नोट आपके पास होना चाहिए अब जना इंट्री सारे बच्चे बताएंगे पहली एंट्री कोई बच्चा बताए क्या एंट्री डालते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट गुड टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री जितने नंबर आप शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं उसी से डालेंगे बताएं बच्चों कितनी एप्लीकेशन आई थी तीन लाख सर तीन लाख एप्लीकेशन आई थी एप्लीकेशन पर कितने रुपए ड्यू कर रहे थे हम कितने रुपए बुला रहे थे बीस रुपए इंटू ट्वेंटी अमाउंट हो जाएगा सिक्सटी लाख का अब जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है वो डेबिट भी होगा तो शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट साठ लाख से टू शेयर जो हमने दिए हैं वो कितने दिए पूरे तीन लाख दिए कि दो लाख ही दिए हैं तो शेयर कैपिटल में दो लाख का ही जाएगा यहां कोई प्रीमियम है नहीं तो दो लाख शेयर का ही बीस रुपए जाएगा कैपिटल में कितना जाएगा चालीस लाख डिफरेंस आ गया सर बीस लाख का क्या कह रहे हैं बीस लाख रुपए रिफंड कर दूं क्या नहीं चेक करो क्या कुछ एडजस्टमेंट हुआ था हां सर हुआ था कहां एडजस्ट हुआ था आठ लाख रुपए हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था जितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया वहां लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से क्या कॉल पर भी एडजस्टमेंट हुआ है नहीं सर कॉल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है आठ लाख रुपए हमने एडजस्ट किया था कॉल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो डिफरेंस जो आ रहा होगा हम रिफंड कर देंगे टू बैंक क्लिक करके कितने रुपए रिफंड कर दिया होगा बताओ बेटा सर ट्वेल्व लाख रुपीज रिफंड कर दिया होगा हो गई इंट्री दूसरी वाली यहां तक क्लियर है बच्चों गुड yes, अब नेक्स्ट सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे अब क्या ड्यू करें पहला काम खत्म हो गया अब ड्यू वाली इंट्री डालते हैं शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे सर वेरी गुड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दो लाख शेयर पर ही करेंगे कितने रुपए ड्यू कर रहे हैं पहले तो ये बताओ शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए ड्यू करना है ड्यू वाली एंट्री देख लो सर पचास रुपए ड्यू करना है पचास रुपए जिसमें से शेयर कैपिटल का तीस रुपए है और बीस रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है मल्टीप्लाई कर देते हैं दो लाख मल्टीप्लाई बाय दो लाख मल्टीप्लाई बाय दो लाख बताओ कितना आएगा सर वन करोड़ साठ लाख और चालीस लाख सही है बच्चों अब मैंने बताओ इस नेक्स्ट वाली इंट्री को जो बताएगा मान जाऊंगा बताओ नेक्स्ट वाली इंट्री क्या लिखते हैं नेक्स्ट वाली इंट्री हमको बताया बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं और यहां लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट मैंने क्या बोला था बताओ शेयर अलॉटमेंट में कौन सी वैल्यू डालना है कल मैंने आपको समझाया था शेयर अलॉटमेंट में कौन सी वैल्यू डालना है सर नेट 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 हमको याद नेट कैसे निकालना है सिंपल है ऊपर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था आठ और एक करोड़ इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है नाइनटी टू लैक्स जो आपने आउटस्टैंडिंग मनी बताई थी अगर कोई डिफॉल्टर नहीं होता तो बैंक में नाइनटी टू लिख देते लेकिन ऊपर देख लो क्या कोई डिफॉल्टर है अलॉटमेंट के समय आपने पहले ही निकाल रखा है हाँ सर राम डिफॉल्टर है चार हजार शेयर है उसके पास तो कॉल एंड एरियर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो कॉल एंड एरियर भी लिखना पड़ेगा राम का तो कॉल एंड एरियर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा यहां पर राम का चार हजार शेयर है लेकिन अब चार हजार में मल्टीप्लाई किसका करें तो ध्यान रखना गलती से भी मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू मत कर देना हमने कॉल एन एरिया नीचे एडजस्टमेंट करने के बाद निकाल रखा है कितना है अलॉटमेंट का फोर्टी सिक्स तो बस ये से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया बता दो जल्दी से मेरे को कॉल एन एरिया इसका फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाये फोर थाउजेंड फटाफट जल्दी से बता दो बच्चों कितना आ गया जल्दी 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 सो वन एटी फोर डिफरेंस जो है वो कहां चला जाएगा कैपिटल में निकाल दो जरा कैपिटल में कितना जा रहा है नाइनटी टू लैक माइनस वन एटी फोर कर दें जल्दी से कितना आ रहा है नाइनटी लैख सिक्सटीन थाउजेंड भैया ये हो गई एंट्री रिसीव वाली थर्ड फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल यहां कोई प्रीमियम नहीं है फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू करना है तीस रुपए थर्टी रुपीज थर्टी थर्टी इंटू टू लैख इंटू टू लैख दो लाख शेयर है कितना आ जाएगा साठ लाख आगे की कहानी बता दो सारे बच्चे जल्दी से बैंक वाली एंट्री डालना है सिंपल डालते बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल वही साठ लाख से डालते बेटा अगर सब लोग पैसा दे देते तो बैंक में साठ लाख लिख देते लेकिन देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका पैसा नहीं दिया तो मेरे को कॉल लिखना है कॉल एन एरियर में कितने लोग हैं मैं देख लेता हूं फर्स्ट कॉल पर कॉल एन एरियर तो फर्स्ट कॉल पर कॉल एन अरियर एक तो बेटा राम का है चार हजार शेयर रोहन का भी है छह हजार शेयर मतलब लिखना है तो यहाँ दस हजार शेयर लिखेंगे पहली बात तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे ऊपर से नहीं देखेंगे नीचे देखेंगे फर्स्ट कॉल का कॉल एन एरियर तीस रुपए ये हमने यहां निकाल रखा है एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ था इसलिए पूरे तीस रुपए आ रहा है अगर एडजस्टमेंट हुआ होता तो एडजस्टमेंट करने के बाद बची हुई वैल्यू लिखते तो तीस रुपए से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा बेटा तीन लाख तो कितने रुपए मिल गए होंगे फिफ्टी सेवन लैख मिल गए होंगे फिफ्टी सेवन लैख काम खत्म यहीं पर यहीं पर हमने किसी के शेयर फॉरफिट कर लिए यहीं हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए मतलब फाइनल कॉल होने के पहले ही फॉरफिट कर लिए राम के शेयर तो राम के शेयर फॉरफिट किए हैं तो राम के शेयर की फॉरफीचर की इंट्री बनाते हैं यहां पर हमको एंट्री आती है क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्योंकि राम ने अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे टू कॉल इन अरियर आएगा राम का और टू शेयर फॉर फीचर आएगा अब मेरे को बताओ शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे तो देखो राम का ड्यू वैल्यू कैपिटल का कैपिटल का कितना हुआ तीस ए तीस कितना हुआ ड्यू बताओ बेटा तीस तीस बीस कितना हो गया अस्सी रुपए तो कैपिटल में आएगा अस्सी रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया था बीस रुपए आएगा कॉल अरियर कितना नहीं दिया राम का कॉल तो तो हो गया तीस और छियालीस सेवनटी सिक्स सेवेंटी सिक्स हो जाएगा कॉल एन अरियर डिफरेंस सीयर फॉर फ्यूचर में जाएगा बताओ बेटा शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा सो माइनस सेवेंटी सिक्स कर दो कितना जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सही है क्या इंटू 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 कर दो कितने शेयर थे इस भाई के पास सर चार हजार शेयर चार हजार शेयर से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई करके लिख लेना जो भी वैल्यू आ रही है फटाफट फटाफट फटा, बताते जाओ मैं लिखता जाता हूं सर ऊपर आ रहा है बत्तीस तीन लाख बीस हजार इधर आ रहा है अस्सी हजार इधर कितना आ रहा बेटा सेवेंटी सिक्स इंटू फोर थाउजेंड सेवेंटी सिक्स वाली वैल्यू बता दो सर सर कॉल एन अरियर बेटा कॉल एंड अरियर इसका क्या क्या नहीं दिया था अलॉटमेंट का फोर्टी सिक्स कॉल का थर्टी तो थर्टी फोर्टी सिक्स मिला के सेवेंटी सिक्स कॉल एंड अरियर ओके इसी था तीन लाख चार हजार कॉल एंड अरियर और ये कितना आ रहा है नीचे वाला चार हजार इंटू चौबीस नाइनटी सिक्स वेरी वेरी गुड समझ में आ गया सबको इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जगह कम पड़ गई मेरे को यहां एंटी डाल दूं चलेगा हाँ इसके बाद सारे बच्चे सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा छह नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन है सब कुछ आ गया इसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे फाइनल कॉल ड्यू करने की जन एंट्री जल्दी से बताएंगे फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बताएं। सर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए फाइनल कॉल थी बीस रुपए लेकिन अब यहां ध्यान से सुनना दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने दो लाख शेयर इशू किए थे उसमें से चार हजार फॉरफिट कर लिए फॉरफिट कर लिए तो क्या अब उससे पैसा और मांग पाओगे तो नहीं मांग पाएंगे इसलिए मल्टीप्लाई यहां करेंगे पर पर तो 196 पर ही ड्यू करना है दो लाख पे मत ड्यू कर देना क्यों क्योंकि चार हजार शेयर हम पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं फाइनल कॉल ड्यू करने के पहले अगर कोई अमाउंट ड्यू करने के पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं तो वो फिर ड्यू नहीं होगा वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बता दो कितना आएगा फाइनल कॉल 20 इंटू वन 3920000, रिसीव कर लेंगे इसका पैसा भी सेम आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट क्योंकि एक बंदा है डिफॉल्टर है टू फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल में कितना जाएगा ये तो हमको पता है थ्री नाइन टू जीरो 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 जाएगा बस जल्दी से बता दो बैंक कितने से डेबिट होगा तो कॉल एन एरिया निकालना पड़ेगा कॉल एन एरियर में कितना आएगा कॉल एन एरियर का वर्किंग नोट हमने बना रखा है ऑलरेडी कॉल एन एरिया फाइनल कॉल का बीस रुपए ही रहेगा तो बीस रुपए मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर रोहन के बताओ रोहन के पास कितने शेयर थे छह हजार तो छह हजार से मल्टीप्लाई कर दो बताओ बच्चों कितना आ रहा है ये वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो बैंक में कितना जाएगा थर्टी एट लाख सही है अब रोहन के शेयर यहां फॉरफिट कर लिए क्वेश्चन बोल रहा था सेम बेटा शेयर कैपिटल डेबिट होगी अब चूंकि फाइनल कॉल पूरी हो गई इसलिए सौ रुपए से डेबिट होगी सिक्योरिटी प्रीमियम यहां डेबिट नहीं होगी क्योंकि रोहन ने प्रीमियम का पैसा दे दिया था अलॉटमेंट दे दिया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगी टू कॉल एनियर आएगा सीधा सीधा टू कॉल एनियर कितने रुपए नहीं दिए थे रोहन ने रोहन ने केवल फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया था फर्स्ट और सेकेंड कॉल तो फर्स्ट और सेकेंड कॉल का कॉल एनअरियर बेटा तीस और बीस जो हमने पहले से निकाल रखा है मतलब पचास रुपए तो पचास रुपए लिख देंगे इसका कॉल एनअरियर तो डिफरेंस जो है वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा पचास रुपए और इसके पास 6000 हजार शेयर थे बच्चों 6000 हजार से, से मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों और जल्दी से बता दो क्या वैल्यू आ रही है तो 6 लाख तीन लाख तीन लाख ये फॉर फीचर हो गया समझ में आ गया हेलो गुड लास्ट रीशू री इशू कर देते हैं रीइू का पॉइंट क्या दिया है आठ हजार शेयर रीइू कर दी हमने दस में से फुल्ली पेड वाला इशू नब्बे में किया है रीइशू प्राइस क्वेश्चन बोल रहा है नब्बे रही है और फुल्ली पेड वाला इशू किया है पेड ऑफ वैल्यू फुल्ली पेड ऑफ है सौ रुपए सौ वाला शेयर नब्बे में दिया तो डिस्काउंट कितने का बेटा दस का अब यहां ध्यान से समझना दो लोगों के शेयर फॉरफिट आपने किए थे दो लोगों के शेयर फॉरफिट किए थे एक रोहन और एक राम रोहन का शेयर फॉरफीचर कितना था और राम का शेयर फॉरफीचर कितना तो रोहन का तो ये रहा बेटा पचास रुपए था राम का फॉरफीचर कितना था देखो जरा राम का शेयर फॉरफिट किया था तब राम के शेयर फॉरफीचर में चौबीस रुपए पर शेयर गया था ट्वेंटी फोर तो अगर इसके शेयर रीइू करोगे इसके शेयर रीइशू करोगे तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा बताओ रोहन के शेयर अगर रीइू कर रहे हैं तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा जल्दी से बताएं इसके शेयर रीइशू करेंगे तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा इसके शेयर करोगे तो कैपिटलिज्म में जाएगा चालीस रुपए और अगर इसके शेयर तो में कितना जाएगा 14 दोनों के अलग -अलग बेटा काम खत्म है जनाइी डालना है नीचे देख लेते हैं किसके शेयर इशू किए क्वेश्चन बोल रहा है रोहन के सारे के सारे कर दिए हैं बचे हुए राम के तो रोहन के छह हजार शेर हमने फ तो 6000 रोहन के हैं और 2000 राम के रीशू किए हैं मतलब टोटल मिला के इस तरह से रीशू हुआ है जना एंट्री करना लो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट रीशू प्राइस नब्बे रुपए से शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट दस रुपए दस रुपए का डिस्काउंट दिया है टू शेयर कैपिटल सौ रुपए इंटू कर दो बेटा कितने शेयर आठ हजार शेयर रीशू किए हैं तो आठ हजार से मल्टीप्लाई एक और एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इंपॉर्टेंट इज दैट बोल रहे थे रोहन के पूरे भेज दिए मतलब 6000 पूरे तो 6000 रोहन के शेयर पर प्रॉफिट था 40 तो 40 से मल्टीप्लाई होगा बचे हुए 2000 राम के हैं तो राम के शेयर पर चौदह रुपए का प्रॉफिट इसलिए चौदह रुपए जाएगा बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा जल्दी से निकाल के बता दो राम के दो क्यों क्योंकि बेटा टोटल आठ हजार री इशू किए पूरे दस हजार री इश्यू नहीं किए तो 8000 में से 6 उसके के हैं, तो बचे हुए राम के होंगे इसलिए 2000 राम के लिए कितना हुआ फटाफट फटाफट बता दो कितना हो जाएगा बिल्कुल आ सकता है बेटा कालिंदी क्यों नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चंस बताओ कितना आ जाएगा जाएगा शेयर फॉर में कितना जाएगा? बोलो फटाफट कैपिटलिज्म में कितना जाएगा दोनों की प्रॉफिट अलग अलग है बेटा इसलिए अपन ने दोनों का अमाउंट अलग अलग निकाल दिया टू तो टू कैपिटलिज्म में चला कैपिटलिज्म समझ में आ गया सबको हो गया क्वेश्चन काम खत्म वर्किंग नोट उतनी ही बनाना है जितने जरूरी है बाकी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है मैंने आपसे पहले बोला था इतना वर्किंग नोट बना लो काम खत्म हो जाता है हो गई इंट्रिया अब बच गया लास्ट केस बेटा शेयर इशूड अदर देन कैश कंसिडेशन अगर हमने शेयर इशू किए हैं और वो भी कैसे हैं अदर देन कैश कंसिडेशन है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं बेटा इन्हीं क्वेश्चन के आने के ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए इन पर फोकस रखना चार नंबर का क्वेश्चन आएगा बहुत इजी क्वेश्चन आएगा ये शेयर अदर देन कैश कंसीडेशन शेयर इशूड अदर देन कैश कंसिडेशन मतलब सर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस परचेज कर रहा हूँ भैया बिजनेस खरीद रहे हैं हम बिजनेस खरीदने के बदले में कंपनी क्या दे दे शेयर्स दे रही है मतलब पैसा नहीं दे रही है तो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है लेकिन कैश की जगह पर कंपनी के पास बिजनेस आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे शेयर देन कैश कंसिडरेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चार चीजें हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेंगी सबसे पहला कैलकुलेशन करना पड़ेगा पीसी का दूसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको नेट असेट का तीसरा आपको निकालना पड़ेगी गुडविल और कैपिटल रिजर्व चौथा जानाइंगी डालो काम खत्म पीसी निकालने की तीन मेथड्स होती हैं यहां पर सारे बच्चे ध्यान रखेंगे पहली मेथड होती है मेथड दूसरी तो लमसम मेथड लगेगी पीसी गिवन नहीं है नंबर ऑफ शेयर है अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर है तो नेट पेमेंट मेथड लगेगी और अगर क्वेश्चन में ना तो पीसी गिवन है और ना ही नंबर ऑफ शेयर है तो फिर नेट असैट मेथड लगेगी हमको इन तीन मेथड में से एक मेथड एग्जाम में लगाना है ध्यान रखना लमसम मेथड कब लगेगी जब पीसी क्वेश्चन में गिवन होगा पीसी गिवन नहीं है नंबर ऑफ शेयर इशूड गिवन है तो नेट पेमेंट और अगर ये दोनों ही गिवन नहीं, नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो फिर हमारा नेट असेट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यहां ध्यान से देखना ताकि आपको पॉइंट तीनों मेथड का समझ में आ जाए जैसे ये क्वेश्चंस दिया है भाई कंपनी है इस कंपनी को मेरे को खरीदना है खरीदने के लिए मेरे को क्या खरीदना पड़ेंगे हमेशा याद रखें कंपनी का शेयर होल्डर फंड जो है उतना पेमेंट करना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड क्या होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंस सरप्लस इसका पेमेंट करना पड़ेगा मतलब मेरे को आठ लाख रुपए पेमेंट करना है अगर मेरे पास आठ लाख रुपए हैं तो ये कंपनी मेरी हो जाएगी तो ध्यान रखना कंपनी पे खरीदने के लिए हमेशा शेयर होल्डर फंड का पेमेंट करना पड़ता है अब आठ लाख निकालने का तरीका क्या है एक तरीका है सीधा इन दोनों को प्लस कर दो एक तरीका है असेट माइनस लाइबिलिटी करके निकाल लो टोटल असेट जोड़ो लाइबिलिटी माइनस कर दो आ जाएगा तो अब क्वेश्चन खुद बोले कि भैया बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया आठ लाख में मतलब पीसी गिवन है तो कौन सी मेथड लग गई लमसम या क्वेश्चन बोले कि कंपनी पांच हजार शेयर इशू कर रही एक सौ साठ रुपए के भाव वाले तो पांच हजार शेयर इशू कर रही एक सौ साठ के मल्टीप्लाई कर देंगे पीसी गया आठ लाख रुपए ये भी हो सकता है क्वेश्चन बोलता है कि भैया हम खरीद रहे हैं कितने में खरीद रहे हैं बताया नहीं कितने शेयर दे रहे हैं बताया नहीं तो असेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे तो भी पीसी आ जाएगा तो पीसी निकालने की तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लग सकती है जब जैसा क्वेश्चन बोले हम एक एक करके एग्जाम्पल ले लेते हैं पीसी हमेशा तब पूरा माना जाएगा जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर इशूड आपको गिवन हो या आपने निकाल लिया तो नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई इशू प्राइस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी पीसी की कुछ पेमेंट चेक में हो रहा है तो चेक से भी पेमेंट करेंगे टोटल जोड़ देंगे तो पीसी आ जाएगा क्वेश्चन देखो हम एक, एक करके ले लेते हैं सारे बच्चे यहां से देखेंगे पहला पॉइंट दिया है कि एक अप्रैल टू को पी लिमिटेड ने परचेज किया है बिजनेस के के लिमिटेड का आठ लाख चालीस हजार में तो पीसी क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि आठ लाख चालीस हजार है दैट मीनस लमसम मेथड लग गई आठ चालीस में पच्चीस परसेंट पेमेंट क्वेश्चन बोल रहा है चेक से करेंगे तो यहां लिख लें पेमेंट वाइज चेक तो निकाल लो बेटा आठ लाख चालीस हजार का पच्चीस परसेंट पेमेंट चेक से हो रहा है करना बच्चों पच्चीस परसेंट कितना हुआ आठ चालीस का पच्चीस परसेंट कितना हो गया दो लाख दस हजार बैलेंस क्वेश्चन बोल रहा है कैसे देंगे बस ये निकालना रहता है बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर कितना पेमेंट इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो भैया आठ चालीस में से दो दस माइनस कर दो बैलेंस अमाउंट बता दो कितना बच गया सर छह लाख तीस हजार छह लाख तीस हजार हम शेयर इशू करेंगे लेकिन छह लाख तीस हजार तो रुपए हमको चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए देख लो शेयर कितने में इशू करोगे तो दस रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है चालीस परसेंट प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं मतलब सारे बच्चे बताओ इशू प्राइस कितनी रही होगी इसको इशू प्राइस चौदह रुपए से डिवाइड कर दो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशू क्या आ गया नंबर ऑफ शेयर इशूट बोलो जल्दी जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर इशूट क्या आ गया बोलो पैंतालीस हजार शेयर पैंतालीस हजार शेयर कंपनी इशू करेगी जब तक ये नंबर ऑफ शेयर इशू नहीं मिल जाए तब तक पीसी का कैलकुलेशन कंप्लीट मानना ये मेरा पीसी आ गया अब पीसी आप यहां लिख सकते हो लिख के रख लो पीसी में क्या क्या आएगा यहां लिखोगे पेमेंट बाय शेयर शेयर से कितना पेमेंट कर रहे हैं सर पैंतालीस हजार शेयर और एक शेयर चौदह रुपए का टोटल मिला के छह लाख तीस हजार और यहां लिखोगे पेमेंट वाइज चेक चेक से कितना पेमेंट कर रहे हो चेक से पेमेंट कर रहे हैं सर दो लाख दस हजार टोटल पेमेंट कितना कर रहा है आठ लाख चालीस हजार मतलब बिजनेस मैंने आठ लाख चालीस हजार में खरीदा है पेमेंट इन दो चीजों के फॉर्म में होगा क्लियर हाँ ये क्वेश्चन में दिया रहेगा चौदह रुपए दिया है बेटा क्वेश्चन में इश्यू प्राइस कि दस वाला शेयर चालीस परसेंट प्रीमियम पर इश्यू किया है ये गिवन रहेगा इसी तरह बेटा तो चालीस परसेंट प्रीमियम मतलब चौदह रुपए अगर दस रुपए लिखा होता दस रुपए ले लेते बस काम खत्म दूसरा वर्किंग नोट एक और बनाओगे नेट असेट निकालोगे यहां पर भैया नेट असेट नेट असेट हर क्वेश्चन में निकालना है नेट असेट निकाल के रख लो नेट असेट कितनी आएंगी बताओ बेटा क्या क्या खरीदा है ये सारी असेट खरीदी है असेट और लाइबिलिटी क्वेश्चन बता रहा है तो इनसे नेट असेट निकाल के रख लो ये लो असेट असेट जोड़ देंगे लाइबिलिटी माइनस कर देंगे लाइबिलिटी एक ही दिख रही है माइनस कर दो ट्रेड पेबल सारे बच्चे बताओ नेट असेट कितनी होगी नेट नेटेट कितनी हुई आठ लाख वेरी गुड अब आप सारे बच्चे समझदार हो बताओ बेटा आठ लाख की नेट असेट मैंने आठ चालीस में खरीदी ज्यादा क्यों दिया होगा आप सारे बच्चे समझदार हो आठ लाख ,00 की नेट नेटसेट मैंने आठ चालीस में खरीदी ज्यादा पेमेंट क्यों किया होगा गुडविल के लिए बिल्कुल बस इसके बीच का डिफरेंस आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व होगा तो बस गुडविल और कैपिटल रिजर्व यहां निकालना रहेगा ज्यादा पेमेंट किया होगा तो गुडविल कम पेमेंट किया होगा तो कैपिटल रिजर्व आपको प्रॉफिट मानना है मतलब पीसी में से जो आपका पीसी आया पीसी कितना आया आठ लाख चालीस हजार आठ लाख चालीस हजार में से माइनस कर देना है नेट असेट सर नेट असैट कितनी है आठ लाख अगर आंसर पॉजिटिव आए तो गुडविल है निगेटिव आए तो कैपिटलिज्म, पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस गुडविल चालीस हजार की ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी निकालना पड़ेगी आ गई चालीस हजार की गुडविल तीन वर्किंग नोट बना लो बस अब जनाइंट्री डाल दो जनाइंटी इज वेरी इजी जो जो हम खरीद के लाए हैं उनको हम डेबिट कर देंगे क्या क्या खरीदा है ये सारी अ तो असेट को डेबिट कर दो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लैंड अकाउंट डेबिट प्लांट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट डेबिट कर देते हैं जो जो असेट खरीद एक असेट आपने निकाल दी दी नहीं थी वो भी डेबिट कर दो गुड बिल चालीस हजार की टू लिख दो यहां पर ट्रेड पे लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना है सेट ऑलवेज डेबिट लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट ट्रेड पेबल था सत्तर हजार यह सारा पेमेंट जिसका बिजनेस खरीदा उसका नाम लिख दो किसका पेमेंट किसका बिजनेस खरीदा है भैया हमने खरीदा है लिमिटेड से बिजनेस तो यहां लिख देंगे लिमिटेड के के लिमिटेड में कौन सी वैल्यू जाएगी पीसी पीसी कितना था आठ लाख चालीस हजार नेक्स्ट एंट्री आप सारे बच्चे बता दो के लिमिटेड को जो देना है दे देंगे के के लिमिटेड अकाउंट डेबिट नरेशन आ जाएगा बीइंग बिजनेस हाँ गुडविल बेटा डेबिट होगा पेमेंट की एंट्री में तो कितने रुपए से आठ लाख चालीस हजार से आप पेमेंट करेंगे तो के के लिमिटेड डेबिट आठ लाख चालीस हजार से टू बैंक जितना पेमेंट चेक से दिया था चेक से कितना पेमेंट दिया है आपने निकाल रखा है दो दस तो दो दस टू बैंक और जितने के शेयर इशू किए थे वो लिख दोगे पैंतालीस शेयर में हमेशा फेस वैल्यू ही डालना है भले यहां चौदह रुपए में शेयर इशू हुआ है लेकिन कैपिटल में केवल फेस वैल्यू ही जाएगी दस रुपए चार लाख पचास हजार और जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगी तो पैंतालीस हजार चार रुपए कर दो तो कितने रुपए जाएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में जल्दी से बता दो कितना पैंतालीस हजार इंटू चार एक लाख अस्सी हजार काम खत्म का ये हो गया पेमेंट नरेशन लिख देंगे बीइंग पीसी पेड ऊपर वाले का नरेशन बींग बिजनेस टेक ओवर नीचे वाले का बींग पेमेंट टू वेंडर्स क्लियर ये ज्यादा इजी होता है बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग बहुत इजी है इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे ध्यान रखना नेट पेमेंट मेथड कब लगेगी जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दिए हो मतलब क्वेश्चन खुद बता दे जैसे यहां देखो दिया है आर आर कंपनी इशू सिक्सटी थाउजेंड फुल्ली पेड ऑफ शेयर सौ रुपये वाले, वाले। कंपनी ने साठ हजार शेयर फुल्ली पेड ऑफ वाले इशू किए हैं तो पीसी निकाल लेते हैं यहां तो सीधा पीसी आ जाएगा यहां लिख दोगे सीधा पेमेंट बाय शेयर कितना हो जाएगा साठ हजार शेयर इशू कर रहे हैं सौ रुपए वाले तो साठ लाख तो ये हो गया बेटा फिर क्वेश्चन बोल रहा है पेमेंट बाय चेक पेमेंट बाय चेक भी लिख लो तो पेमेंट बाय चेक वही दे रहे हैं कितना पचास हजार तो पीसी कितना हो गया सीधा सीधा मिल गया हमको कितना हो गया साठ लाख पचास हजार नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत नहीं क्वेश्चन ने सीधे दे दिए नेट असेट निकाल लो इसकी नेट असेट ये खरीदी है आपने तो नेट असेट निकाल लो जो असेट दे रखी है सारे बच्चे बताओ नेट असेट क्वेश्चन में दे रखी है माइनस कर देंगे यहां से तो कितनी आएगी नेट असेट दो लाख माइनस कर दो बताओ नेट असेट कितनी कहलानी जल्दी से बताओ नेट असेट कितनी आ गई सर फोर्टी सिक्स अब बताओ फोर्टी सिक्स लैख की चीज आपने साठ लाख पचास हजार की खरीदी क्या आएगी जल्दी से बताएं गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा तीसरा कैलकुलेशन गुडविल और कैपिटल रिजर्व पीसी आप पेमेंट कर रहे हो साठ लाख पचास हजार का असेट खरीद के लाए फोर्टी सिक्स लैख की ज्यादा पेमेंट किया है तो गुडविल होगी फोर्टी सिक्स लैख माइनस कर दो बताओ बच्चों कितना आएगा जल्दी जल्दी बताओ गुडविल चौदह लाख पचास हजार जाना एंट्री सेम होंगी आप कर लेना कोई दिक्कत नहीं आएगी ये आपकी कौन सी मेथड है बेटा नेट पेमेंट मेथड इसके बाद आती है नेटोसाइड मेथड नेट नेटोसाइड मेथड मतलब जिसमें पीसी बताया नहीं नंबर ऑफ शेयर्स बताया नहीं जैसे ये दिया है बी लिमिटेड बाई इशूंगे ऑफ रूपीज हंड्रेड इज एट ट्वेंटी परसेंट प्रीमियम बस काम खत्म बीस परसेंट प्रीमियम पर हम शेयर इशू करेंगे ये क्वेश्चन में दिया है कितने शेयर इशू करेंगे नहीं बताया कितने में बिजनेस खरीदा नहीं बताया तो पीसी कैसे निकालो पी तो सी बराबर हो जाएगा ऐसे केस में नेट सेट के बराबर हो जाएगा बेटा तो पीसी इक्वल टू नेट सेट हो जाएगा तो बस बेटा ये नेट असैट आप यहां निकाल लो यही आपका पीसी हो जाएगा कितना हो जाएगा नेट असेट क्रेटर माइनस कर दो यहां से और जल्दी बताओ कितने रुपए का पीसी नेट सेट्स आ रही है ये जो नेट असेट्स आ रही हैं इसी को पीसी मान लिया जाएगा कितनी आ रही हैं बताएं जल्दी 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 चार लाख प्लस पांच लाख प्लस चार लाख माइनस एक लाख बारह लाख ये पीसी हो गया अब यही पीसी है यही नेट असेट है पेमेंट लिख लो यहां पर कैसे पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट बाय चेक क्या चेक से कोई पेमेंट है तो आंसर इज जीरो तो सारा पेमेंट कैसे करेंगे पेमेंट बाय शेयर निकालना पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर पूरा बारह लाख शेयर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर इशू निकालना पड़ेंगे इसलिए डिवाइड कर देंगे इसको भी इशू प्राइस से डिवाइड कर दो इशू प्राइस कितने रुपए वाला शेयर इशू कर रहे हैं क्वेश्चन बता रहा है कितने शेयर सौ रुपए वाला शेयर बीस परसेंट प्रीमियम पर मतलब एक सौ बीस पर इशू होगा तो नंबर ऑफ शेयर इशूड आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड आ गए सर दस हजार अब यहां कोई गुडविल और कैपिटलिज्म नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्योंकि नेट पीसी के बराबर है तो 12 लाख में से 12 लाख माइनस करोगे कोई गुडविल और कैपिटलिज्म नहीं आएगा जब मतलब पीसी नेट नेटेट मेथड से निकलता है पीसी नेट नेटेट मेथड से निकलता है तो कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आता है बस जना एंट्री डालना है नॉर्मल जना एंट्री हो जाएगी असैट अकाउंट डेबिट लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू कंपनी और फिर उसके बाद पेमेंट कर देंगे के फॉर्म में तो पेमेंट की एंट्री आप लोग कर लेना काम खत्म हो जाएगा ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आए कि पूरा बिजनेस नहीं खरीदा कोई एक असेट खरीद ली एक असेट अकेली खरीद ली ऐसे भी आ सकते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको ये देखें दिया है राजा लिमिटेड परचेस अ मशीनरी कॉस्टिंग ट्वेंटी लैख ट्वेंटी थाउजेंड फ्रॉम आई आर लिमिटेड तो यही हमारा पीसी हो गया असेट की वैल्यू के बराबर ही बीस लाख बीस हजार की असेट खरीदी है यही पीसी हो जाएगा कितने में खरीदा बोल रहे फिफ्टी परसेंट पेमेंट मेड बाय चेक तो पेमेंट मेड बाय चेक फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट मतलब दस लाख दस हजार और फिफ्टी परसेंट के इक्विटी शेयर इशू करेंगे बोल रहे हैं तो वो भी लिख लो पेमेंट बाय इक्विटी शेयर दस लाख दस हजार कितने सौ रुपए वाला शेयर कितने की प्रीमियम पर तीस परसेंट प्रीमियम पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा इश्यू प्राइस से बच्चों एक सौ तीस रुपए से डिवाइड कर दो जल्दी से बताओ नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने आ गए नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने आ गए बेटा खुशी अंशिका फटाफट निकाल के बता दो कितने आ गए वेरी गुड सेवन सेवन सिक्स नाइन राउंड ऑफ नहीं करना है फ्रैक्शन के बाद की चीज हमारे काम की नहीं है क्या जना एंट्री डालेंगे सर इसकी अब सिंपल जना एंट्री होगी बेटा क्या इंट्री डालेंगे भैया हमने क्या खरीदी मशीन खरीदी तो यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी बीस लाख बीस हजार की किससे खरीदी उसका नाम टू अयर साहब से खरीदी टू लिमिटेड, बीस लाख बीस पेमेंट कर देगा क्योंकि खरीदी, कोई लाइबिलिटी नहीं खरीदी तो अयर लिमिटेड अकाउंट डेबिट बीस लाख बीस हजार क्या दे रहा है उसको? ये ध्यान से लिखना यहां लिखोगे टू बैंक चेक से जो पेमेंट किया कितना पेमेंट किया चेक से दस लाख दस हजार अब यहां लिखोगे टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में नंबर आपने निकाले थे कितने नंबर आए थे शेयर कैपिटल में सेवन सेवन सिक्स नाइन तो सेवन सेवन सिक्स नाइन इंटू हंड्रेड ध्यान रखना फेस वैल्यू ही डालना है तो सेवन लैक्स सेवनटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड और जो डिफरेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा सेवन सेवन सिक्स नाइन इंटू थर्टी जल्दी से बताएं तीस रुपये की प्रीमियम थी प्रीमियम में कितना आएगा जल्दी से निकाल के बता दें प्रीमियम कितनी आएगी टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड वन हंड्रेड नहीं आएगी बेटा सेवेंटी गुड अब एक नई चीज सीखना अगर फ्रैक्शन आया है तो ये एंट्री टैली नहीं होगी टैली करने के लिए फ्रैक्शन के बदले में कैश देना पड़ता है कितने रुपए की कैश देना पड़ेगी तीस रुपए की कैश देना पड़ेगी इट आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी क्लियर काम खत्म इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ये हो गई बेटा हमारी शेयर परचेज कैश कंसिडेशन लास्ट आता है शेयर इशू टू प्रमोटर्स अगर हम प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं तो प्रमोटर्स को शेयर कैसे इशू हो सकते हैं प्रमोटर्स को बेटा हम शेयर इशू कर सकते हैं दो चीजों के लिए या तो हमने पेमेंट किया होगा वन एक्सपेंसेस का रियम्बर्समेंट कर रहे होंगे जो उन्होंने कंपनी बनाने के समय किए थे अगर कंपनी बनाने के समय के खर्चों का हम रिमबर्समेंट कर रहे हैं तो इंट्री हो जाएंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिमिन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स और फिर प्रमोटर्स को दे देंगे तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है उनकी सर्विस के लिए पेमेंट किया गया है इन ल्यू ऑफ सर्विसेस सर्विसेज के लिए पेमेंट किया गया है तो फिर सर्विस बताओ अगर प्रमोटर सर्विस देता है अच्छा काम करता है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो फिर हम गुडविल अकाउंट डेबिट

लेकिन बदले में कंपनी को अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ता है कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है इसलिए कमीशन को डेबिट कर देंगे एंट्री हो जाएगी अंडर राइटिंग क्वेश्चन दिया है यहां पर दिया है एक्स लिमिटेड ने पचास हजार शेयर इशू किए हैं पार वैल्यू पर प्रोमोटर्स को फॉर देयर सर्विसेज जना एंट्री क्या होगी आप सारे बच्चे समझदार हो सर्विसेज के लिए दे रहे हैं इसलिए एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स और प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल

जिनको प्रिफेंसल राइट right होते हैं वो प्रेफेंसियस होते हैं प्रेफेंसल राइट दो चीज़ों में मिलते हैं मैंने आपको पढ़ाया था एक तो डिविडेंड के पेमेंट में प्रिफेंसल राइट right मिलेगा दूसरा कैपिटल के पेमेंट में प्रायोरिटी मिलेगी कई तरह के प्रेफेंसियर होते हैं एक क्यूमलेटिव प्रेफेंसियर होते हैं नॉन किमुलेटिव होते हैं पार्टिसिपेटिंग होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं कन्वर्टेबल होते हैं नॉन कन्वर्टेबल होते हैं रिडीमेबल होते हैं इर होते हैं सबसे पहले रिडीमेबल इन की बात करें तो रिडीमेबल प्रिफेंसियर वो प्रिफेंसियर है जिनको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिडीम कर दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर हमारे इंडिया में इशू नहीं हो सकते हैं क्योंकि हर एक कंपनी को 20 साल के अंदर उनका रिडम्सन करना कंपलसरी है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कंपनी 30 साल के लिए इशू कर सकती है 30 ईयर के लिए इशू कर सकती है क्या होते है? Offenses वो offenses होते हैं हैं वो जिनका डिविडेंड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती हर हाल में उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी में प्रॉफिट हो तो अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो ऑफ डिविडेंड में चला जाता है

अभी से, पेफेंस यार जो फ्यूचर में बन जाएंगे, वो पेफेंस पेफेंस जो फ्यूचर में शेयर्स नहीं बनेंगे उनको कैश पेमेंट ही मिलेगा वो नॉन कन्वर्टेबल कैपिटल कई तरह की होती है सबसे पहले शेयर कैपिटल आती है बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल फिर इशूड कैपिटल फिर सब्सक्राइब फिर और रिजर्व कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो जो कैपिटल कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराई है जिस कैपिटल से ज्यादा कंपनी कैपिटल इशू नहीं कर सकती वो कैपिटल से को, को, को खरीद वो में से जितना उन्हें पेमेंट कर ने बुला लिया है वो कॉल्ड अप कहलाएगा और उसमें से जितना उन्हें पे कर दिया है वो पेड ऑफ कैपिटल कहलाएगी इंपॉर्टेंट आता है रिजर्व कैपिटल एग्जाम में पूछते भैया रिजर्व कैपिटल क्या होती है रिजर्व कैपिटल वो होती है जो कैपिटल कंपनी अपने पर ही बुला सकती है, से पहले नहीं बुला सकती वो कैपिटल दिया है छोटा सा जिसमें अलग अलग कैपिटल आपको निकालना है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस रिजर्व कैपिटल कैपिटल में डिफरेंस क्या होता capital वो capital होती है जिसको वाइंडिंग पर ही बुलाएगी वाइंडिंग अप से पहले नहीं बुलाती है जबकि कैपिटल रिजर्व आपके प्रॉफिट्स होते हैं तो ये बात ध्यान रखेंगे इसके बाद आता है बेटा सेक्शन 52 सेक्शन 52 में आपसे पूछ सकते हैं कि सेक्शन 52 में सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज क्या है तो मैंने आपको पढ़ाए थे पांच सिक्योरिटी प्रीमियम के पहला यूज क्या है कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है दूसरा क्या है कंपनी इससे प्रीमिनरी एक्सपेंसेज राइट ऑफ कर सकती है तीसरा कंपनी इससे इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है चौथा इससे कंपनी प्रीमियम ऑन रिडमसन का सेट ऑफ कर सकती है और पांचवा इससे कंपनी बाईबेक कर सकती है पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेक्शन 133 का कि अगर कोई कंपनी पर सेक्शन है तो और का सेट नहीं कर सकती है बात ध्यान रखना। हम पढ़ेंगे के साथ ही हालांकि मैंने थे यहाँ दे दी है और इनको हम ईशोप के साथ में डिस्कस करेंगे तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये था बेटा हमारा चैप्टर इशू ऑफ कंप्लीट इतना आपको पढ़ के आना चाहिए ओके गुड बेटा बाय बाय शाम को मिलता है नए डे टू के साथ नए चैप्टर के साथ बाय बाय बच्चों ओके बच्चों ओके